दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं जिन्हें कि रियल लाइफ से जोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो देखने में हमें फिल्मी गैजेट जैसे लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ही गैजेट्स के बारे में जो कि एकदम फिल्मों जैसे होते हैं, यानी कि उसके काम करने के तरीके और उसकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी मूवी वगैरह के गैजेट हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, जहां पर आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक कमाल गैजेट। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन रहता है नंबर 8 पर। नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस 2। दोस्तों अगर आपको आयरन मैन मूवी याद हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से टोनी स्टार्क अपने सूट को 3D में डिजाइन करता है, यानी कि एक के बाद एक वो किस तरीके से 3D मॉडल ट्राई करता है और अपने सूट को बना पाता है। लेकिन रियल लाइफ में कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन दोस्तों अब कुछ ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिनकी मदद से डिजाइनिंग में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि देखने में दरअसल एक चश्मे जैसा लगता है, लेकिन ये बहुत ही हाईटेक गैजेट होता है जो कि आपकी आसपास की चीजों को स्कैन कर सकता है, वो भी 3D में। साथ ही ये आपको पूरी पिक्चर 3D में दिखाता है, जिसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। इस तरीके की गैजेट की मदद से 3D डिजाइनिंग में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो तो ऐसे में 3D मैपिंग में भी उसको काफी हद तक मदद मिलती है। तो इस तरीके का गैजेट काफी हद तक काम को आसान बना देता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका एकदम बिल्कुल पिक्चरों वाला लगता है। तो उम्मीद है आपको इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो इसे फटाफट एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। नंबर 7, पावर एग ड्रोन। दोस्तों आपने काफी सारे अभी तक ड्रोन्स देखे होंगे जिनका इस्तेमाल फोटोग्राफी या फिर किसी न किसी काम के लिए किया जाता रहा होगा, लेकिन आप जो ड्रोन मैं आपको दिखाने वाला हूं उसको देखकर आपको यकीनन थोड़ा सा अचंभा होगा, क्योंकि उसकी डिजाइन ही कुछ ऐसी होती है। ये ड्रोन देखने में एक अंडे जैसा लगता है, हो सकता है आपको विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन जी हाँ दोस्तों ये एक अंडे के ही शेप में होता है, यानी देखने पर ये आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक बहुत बड़ा अंडा हो, लेकिन जब इसके विंग्स खुलते हैं तो ये एकदम ड्रोन की शक्ल ले लेते हैं। साथ ही इसमें एक 4K UHD कैमरा लगा होता है, जिससे कि वीडियोग्राफी वगैरह बहुत आसानी से की जा सकती है। लेकिन कुछ भी कहिए, इसका डिजाइन तो अपने आप में एक बहुत अच्छा नमूना है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके कैमरा की, तो दोस्तों इसका कैमरा आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन तो देता ही है, साथ ही इसमें 3-axis गिम्बल स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। वहीं इसका फ्लाइट टाइम 23 मिनट का होता है, यानी कि सिंगल चार्ज पर इसे 23 मिनट तक उड़ाया जा सकता है। 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पर इसका ट्रांसमिशन काम करता है, जिससे कि इसकी रेंज 3.1 माइल्स तक की हो सकती है, यानी कि आप इसे काफी दूर तक इस्तेमाल कर पाएंगे इसके रिमोट कंट्रोल की मदद से। वहीं अगर हम बात इसके रिमोट कंट्रोल की करते हैं, तो इसमें भी आपको अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसे आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन में लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। वहीं इस ड्रोन को इस्तेमाल करने से पहले आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना होगा, जो कि कहीं ना कहीं इसके यूजर्स को सिक्योर करता है। तो आपको ये ड्रोन काफी ज्यादा मजेदार तो उम्मीद है लगा ही होगा, लेकिन अभी आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि क्या आपने कभी किसी ड्रोन का इस्तेमाल किया है फोटोग्राफी के लिए या नहीं। नंबर 6, टैप 2। दोस्तों टाइपिंग के लिए वैसे तो कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर कीबोर्ड ना हो फिर आपको टाइपिंग करनी हो तो शायद आप टच स्क्रीन डिस्प्ले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप उसे टाइपिंग करना नहीं चाहते हैं तो शायद आपके लिए एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उसके बिना तो टाइपिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपके मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप के साथ भी कंपैटिबल रहेगा। ये किसी कीबोर्ड या फिर माउस जैसा नहीं होता है, बस ढेर सारी रिंग्स होती हैं जिन्हें कि आपको अपने हाथों में पहनना होता है। दरअसल रिंग्स में लगे होते हैं ढेर सारे मोशन सेंसर, जो कि आपके उंगलियों के मूवमेंट के हिसाब से फटाफट आपकी टाइपिंग को करवा देंगे। इसे इस्तेमाल करने के लिए बस आपको एक सरफेस चाहिए होगा, जहां पर आप जैसे जैसे टाइपिंग करते हैं वैसे वैसे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी कि टाइपिंग करने के लिए अब आपको अपनी आंखें किसी टैबलेट या फिर मोबाइल फोन में नहीं बढ़ानी पड़ेंगी, बल्कि आप इस तरीके के अतरंगी गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टाइपिंग के लिए। लेकिन आप फिलहाल मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अगर आप अपने मोबाइल फोन की टच स्क्रीन को टच नहीं करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप अपने कीबोर्ड्स वगैरह को भी नहीं अटैच कर सकते हैं, तो किस तरीके से आप मोबाइल फोन में मैसेजेस टाइप कर पाएंगे। नंबर 5, ट्रॉन आइडेंटिटी डिस्क। दोस्तों आपने हॉलीवुड मूवीज में एक से बढ़कर एक हथियारों को देखा होगा, जिनका इस्तेमाल करके सुपर हीरोज दुनिया को अक्सर बचाया करते हैं। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा अतरंगी सा गैजेट जो कि देखने में कुछ उन्हीं हथियारों जैसा लगे, तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देखिएगा। दरअसल ये एक ऐसी रिंग होती है जो कि टच सेंसिटिव रहती है। आप जैसे ही इसे टच करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग तरीके की साउंड सुनाई देंगी, साथ ही इसमें लगी LED लाइट्स भी अलग अलग तरीके से जलने लगती है। लेकिन जब आप इसे रोटेट कराते हैं तो इसकी लाइटिंग्स चेंज होती है, साथ ही साथ इससे आने वाली साउंड्स भी
बदली बदली सी सुनाई देगी आपको। यानी इसमें इनबिल्ट होता है जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जो कि आपके हाथों की मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करके उसी हिसाब से साउंड देता है। हालांकि बात करें इसके यूजर्स की, तो इसका इस्तेमाल आप फोटोग्राफी वगैरह में कर सकते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल आप किसी को गिफ्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे वगैरह इससे खुश हो जाए। लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ये गैजेट, खासतौर पर फोटोग्राफी के लिए। तो आई होप आपको ये गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिससे कि आप अलग अलग तरीके से एंजॉय कर सकते हैं इस छोटी सी रिंग के साथ। नंबर 4, एना रिंग। दोस्तों इंडिया के अंदर एक चीज बहुत कॉमन सी देखी गई है कि स्टोन की रिंग पहनना सभी लोग पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस रिंग में थोड़े से चेंजेस किए जाए, यानी कि इसे थोड़ा सा और भी हाईटेक बना दिया जाए, तो ये शायद आपको थोड़ा सा नया लगेगा। तो दोस्तों ये रिंग भी कुछ ऐसी ही होती है, जो कि दूर से देखने पर एक स्टोन रिंग जैसी ही लगती है। लेकिन अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो ये काफी ज्यादा अलग होते हैं किसी भी अदर रिंग से। दोस्तों एक तरीके से आप इसे स्मार्ट रिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आप एक शॉर्टकट के तौर पर कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको अपनी कैब बुक करनी हो या फिर कोई पेमेंट करनी हो ऑनलाइन, तो इस रिंग की मदद से आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों के अप्लायंसेस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, जिस काम में ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं इस रिंग में एक बिल्ट इन स्पीकर और एक माइक्रोफोन भी रहता है, जिससे कि आप कॉलिंग वगैरह भी कर पाएंगे, जो इसका एक बहुत ही मजेदार फीचर होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी रिंग जिसका इस्तेमाल आप काफी सारे कामों में कर पाएं, तो मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन होने वाली है। नंबर 3, सिग्नल। दोस्तों अगर आप मोबाइल फोन से कॉल पर बात नहीं करना चाहते हैं, तो आजकल बहुत सारे ऐसे मीडियम्स आ गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी से भी बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें ईयरफोन्स लगा सकते हैं, या फिर ईयरबड्स जैसे हाईटेक कम्युनिकेशन मीडियम मौजूद हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इस्तेमाल करना, तो आपकी उंगलियां ही आपके लिए एक छोटे से ईयरफोन का काम कर सकती हैं। दरअसल अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि बैंड जैसा दिखने में एक गैजेट होता है, जिसे कि आप अपने स्मार्ट वॉचेस के साथ भी चाहें तो अटैच कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉल आपकी स्मार्ट वॉच पर आ रही है या फिर आपके फोन पर आ रही है, तो फटाफट आप इस बैंड पर टैप करके अपने उंगलियों का ही इस्तेमाल करके आप इससे कॉल पर बात कर सकते हैं। दोस्तों देखने में ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि इसकी मदद से आसानी से आपकी फिंगर का ही इस्तेमाल एक छोटे से स्पीकर के तौर पर किया जाता है, जो कि किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होता है, बल्कि और भी कहीं ज्यादा आरामदायक होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देखना, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये गैजेट कैसा लगा है, ये बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, फ्रॉम टू डेस्कटॉप। दोस्तों किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका प्रोटोटाइप जरूर से बनाया जाता है, जिससे कि उसे रियलिटी में बनाने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज का 3D मॉडल तैयार करते हैं, जिसके बाद उसे हम लोग रूप और आकार देना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों 3D मॉडल तैयार करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं होता, जितना हम लोग समझते हैं। इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वैसे तो बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स, लेकिन दोस्तों इस तरीके के बड़े बड़े प्रिंटर्स इंस्टॉल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, साथ ही बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ते हैं, जिनको अफोर्ड कर पाने में थोड़ी सी हो सकता है किसी को भी दिक्कत हो। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से 3D प्रिंटर को, जो कि मॉडल को तैयार करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों इसमें कार्टेज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। हालांकि इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही सफाई के साथ ये आपके मॉडल को तैयार कर देगा। आप इसके सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से चीजों को डिजाइन करके प्रिंट कर सकते हैं, जो कि इसका एक मजेदार फीचर रहेगा। तो आप भी मुझे बताइएगा कि अगर आपको 3D प्रिंटर मिल जाए, तो आप किस तरीके के प्रोजेक्ट को सबसे पहले हकीकत में बदलना चाहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताए कुछ ऐसे अतरंगी से गैजेट, जो कि रियल लाइफ में काफी ज्यादा अचंभे से लगते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी, तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट के नंबर 1 पर। नंबर 1, सिगवी ड्रिफ्ट W1। दोस्तों बचपन में स्केटिंग करने का शौक तो हम सभी का होता है, लेकिन समय के साथ साथ ये आदत खत्म होती हुई चली जाती है और हम इन सब चीजों से बहुत दूर निकल आते हैं। लेकिन अगर आप अपने बचपन को एक बार फिर से जीना चाहते हैं और चाहते हैं कुछ ऐसी स्केट्स जिनका इस्तेमाल करके आप अच्छे खासे स्टंट्स वगैरह दिखा पाए, तो ये गैजेट इस काम में आपकी मदद कर सकता है। हालांकि ये स्केट से काफी ज्यादा अलग होता है, लेकिन इसकी बेसिक डिजाइन कुछ वैसी ही होती है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके के स्टंट्स करने के लिए। लेकिन अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो आपको इसमें
काफी ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों ये एक पूरी तरीके से बैटरी ऑपरेटेड गैजेट होता है, यानी कि इसमें एक छोटी सी बैटरी पड़ती है जिसका बैकअप टाइम लगभग 45 मिनट का होता है, यानी कि आप 45 मिनट तक इससे लगातार स्टंट्स वगैरह कर सकते हैं। साथ ही इसमें RGB LED लाइट्स लगी होती है जो कि सिक्योरिटी पर्पस होती है, यानी कि रात में अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आप आसानी से विजिबल हो किसी के भी सामने। पूरी तरीके से स्प्लैश प्रूफ होने की वजह से आप पानी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक इसका मजेदार फीचर रहेगा। तो अगर आप भी अपने बचपन को एक बार फिर से जीना चाहते हैं तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रिक स्केट्स को। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।